सलमान खान के बारे में 10 ऐसी बातें जो आपका दिल दहला देंगी। नंबर एक, सलमान खान का असली नाम अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान है। ये नाम उनके ग्रैंडफादर और फादर के नाम से ट्रेडिशनली मिला था। नंबर दो, सलमान खान सिर्फ 12 तक ही पढ़े हैं। उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया पर डिग्री पूरी करने से पहले ही उन्होंने कॉलेज छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मन बना लिया। नंबर तीन, सलमान खान अपने करियर की शुरुआत से एज द राइटर और डायरेक्टर काम करना चाहते थे। उन्होंने 1987 में फिल्म फलक्स में असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था पर वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल भी नहीं चली। नंबर चार, सलमान की पहली फिल्म बीवी हो तो ऐसी उन्हें बाय चांस से मिल गई थी। हुआ यू, सलमान खान कुछ पैसे कमाने के लिए इंडस्ट्री में काम ढूंढ रहे थे। जेके बिहारी जो फिल्म डायरेक्टर थे उनके पास एक एक्टर के लिए रोल था पर कोई भी इस रोल के लिए ऑडिशन देने के लिए नहीं आया, तो सलमान जब उससे असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए काम मांगने गए तो डायरेक्टर ने उन्हें फिल्म में जो एक्टर ले लिया सलमान ने ब्याह कर दी क्योंकि उन्हें इस रोल के लिए कुछ खास एक्टिंग नहीं करनी थी और उनके 2-3 महीनों की पॉकेट मनी भी निकल जाती। नंबर सात, सलमान ने अपना करियर शुरू करने के लिए कभी भी अपने फादर का नाम का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उन्हें कहते थे कि तुम सबको बताया करो कि तुम सलीम खान के बेटे हो, इससे तुम्हें जल्दी काम मिलेगा। पर सलमान और सलीम दोनों को ही ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी। सलमान ने एक इंटरव्यू में कहा कि और चाहते थे कि उनकी सक्सेस भी अपने दम पर हो और उनकी फेलियर भी। नंबर छह, सलमान जब टीनेजर थे तब से उन्हें जिम का बहुत शौक था पर ये बात तो कभी अपने पेरेंट्स को ही बताते थे क्योंकि उनके पिता ये बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि सलमान पढ़ाई लिखाई छोड़कर बस बॉडी बनाने में लगे रहे। जब ये कैंपर कॉलिंग सॉफ्ट ड्रिंक को एड आया था टॉप सलमान सिर्फ 15 साल के थे और उन्हें इस एड के लिए 750 दिए गए थे। नंबर आठ, सलमान के ब्लॉकबस्टर फिल्म मैंने प्यार किया जिस्म की वजह से सलमान रातों रात स्टार बन गए। उस फिल्म की पहली चॉइस नहीं थे, सूरज बड़जात्या ने दीपक तिजोरी और पीयूष मिश्रा को पहले कंसीडर में रखा था। एक दिन उनकी मुलाकात सलमान से हुई और उनकी पोर्टफोलियो फोटो देख वो बहुत इम्प्रेस हुए पर वो चाहते थे कि इस बार सलमान अपनी एक्टिंग भी दिखाए, तो फिर सलमान का ऑडिशन भी लिया गया और सूरज को उनके एक्टिंग ज्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाई। फिर लगभग 4 महीने तक लीड एक्टर ढूंढने के बाद सलमान और कई एक्टर का दोबारा ऑडिशन लिया गया। अब जाकर सूरज को लगा कि हाँ, सलमान के साथ ये पिक्चर बननी चाहिए। नंबर नौ, भाग्यश्री, जिन्होंने मैंने प्यार किया में लीड एक्ट्रेस का रोल अदा था, उनके ही मुलाकात पहले सलमान खान के साथ पोस्टर शूट के दौरान हुई जहां फोटोग्राफर ने सलमान को कहा कि आपको भाग्यश्री को जोर से गले लगाना है, तो इस बात पर सलमान घबरा गए और कहा कि मैं उन्हें बिना परमिशन के ऐसे नहीं पकड़ सकता, एक बार आप उनसे भी पूछ लीजिए, मैं तभी पोस्ट करूंगा जब वो राजी होगी। भाग्यश्री ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस चीज को देखकर सलमान के लिए उनके मन में रिस्पेक्ट काफी बढ़ गई क्योंकि उन दिनों एक्ट्रेसेस को ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी। नंबर 10, मुनीस पहले जिन्होंने मैंने प्यार किया में विलन का रोल किया था, वो रोल भी उन्हें सलमान के रिकमेंडेशन से ही मिली थी। सूरज और सलमान थोड़े वक्त में ही अच्छे दोस्त बन गए थे क्योंकि दोनों की एक तरह से पहली फिल्म थी, तो बातों बातों में एक दिन सलमान ने सुरेश को 19 अप्रैल को मुनीस पहले असब विलन कास्ट करने की एडवाइस दी और उन्होंने एक के ऑडिशन के बाद मुनीस पहल को फिल्म के लिए फाइनल कर लिया और उसी फिल्म से मुनीस का कार्य अभी चल पड़ा। नंबर 11, सलमान खान को मैंने प्यार किया के लिए 31,000 में साइन किया गया था और जब फिल्म हिट हुई तो उन्हें फिल्म के लिए टोटल 7,500 की सैलरी दी गई थी। नंबर 12, जब मैंने प्यार किया सक्सेसफुल रही उसके बाद भी सलमान को अगले 6 महीने तक कोई ढंग का काम नहीं मिला। सलमान ने एक इंटरव्यू में बताया कि उसने उस टाइम पर वो सुपरस्टार बन चुके थे फिर भी वो खाली बैठे रहते थे। तब सलीम खान ने अपने दोस्त जेपी सीपीएस जो कि सोले के प्रोड्यूसर थे उनसे रिक्वेस्ट की थी, आप ऐसे ही अनाउंस कर दीजिए कि सलमान को आपने अपनी फिल्म के लिए साइन किया है, ऐसे तमूर वजह से अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर के ऑफर आ जाएंगे। नंबर 13, बाजीगर फिल्म सबसे पहले सलमान खान को ऑफर की गई थी पर वो स्टेज पर नेगेटिव रोल नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बाजीगर को रिजेक्ट कर दिया और फिर ये फिल्म खान को मिली। नंबर 14, सलमान के स्टारडम पाने के बाद उनकी पहली पब्लिकली एक्सेप्ट उनकी गर्लफ्रेंड बनी संगीता बिजलानी। उस वक्त संगीता एक बहुत ही पॉपुलर मॉडल हुआ करती थी और दोनों ने लगभग एक दूसरे को 2 साल तक डेट किया था। सलमान ने कॉफी विद करण में कन्फेस किया कि उनकी संगीता के साथ शादी के कार्ड भी छप चुके थे पर पर्सनल मैटर की वजह से दोनों अलग हो गए और माना जाता है कि उसकी सोमी अली रही थी। नंबर 15, सोमी अली जो पाकिस्तान ओरिजिन की एक आर्टिस्ट है, उनको धर्मेंद्र 1992 में अपने बेटे बॉबी देओल के साथ रोमांटिक फिल्म जॉन से लॉन्च करने वाले थे।
सोमी अली को इस फिल्म के लिए साइन भी कर लिया गया था। उसके पहले ही सलमान खान जो उनके नए दोस्त थे उन्होंने सोमी अली को इस फिल्म को करने से मना कर दिया, अपने साथ फिल्म में कास्ट कर लिया। नंबर 16। सोमी अली और सलमान का जब अफेयर न्यूज में था तब दोनों एक फिल्म में साथ नजर आने वाले थे जिसका नाम था बुलंद। इस फिल्म की शूटिंग 80% कम्प्लीट हो गई थी पर कई अननोन रीजन की वजह से इस फिल्म को पूरा नहीं किया गया। नंबर 17। जब सलमान और ऐश्वर्या के अलग होने की न्यूज आई तो उसको बहुत सेंसोलियस तरीके से दिखाया गया पर उनमें से एक फेक था। जब सलमान पूरी रात ऐश्वर्या के घर के बाहर खड़े रहे और चीखने चिल्लाने लगे, सलमान ने 2022 में एक इंटरव्यू में कहा था कि ये बात सच थी और अब लीगली मुझे उस सोसाइटी में जाना अलाउड नहीं है। नंबर 18। सितंबर 26, 2002 वो दिन था जब पहली बार ऐश्वर्या ने सलमान के खिलाफ पब्लिक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उन्होंने क्लियर कर दिया कि उनका ब्रेकअप हो गया है सलमान खान के साथ। और हैरानी की बात ये है कि अगले दिन ही यानी कि सितंबर 28 को सलमान खान हिट एंड रन केस में सस्पेक्ट पाए गए और उन पर कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज भी लगा क्योंकि इंजर्ड लोगों में से एक व्यक्ति की जान भी चली गई थी। नंबर 19। सबने देखा होगा कि सलमान खान एक टारकोइस कलर का एक ब्रेसलेट पहनते हैं। ये ब्रेसलेट उनके फादर ने सलमान को 2002 में दिया था जो कि उनकी लाइफ और कैरियर का बहुत ही मुश्किल वक्त था। सलीम ने एक ब्रेसलेट अपने लिए रखा और सलमान को दिया। सलमान का कहना है ये ब्रेसलेट उनके लिए बहुत लकी है। नंबर 20। सबको पता है कि तेरे नाम मूवी का हेयर स्टाइल एक टाइम पर कितना पॉपुलर रहा था पर क्या आप जानते हैं कि मूवी शूटिंग के दौरान सलमान खान की प्रोड्यूसर से लड़ाई हो गई थी और उन्होंने गुस्से में अपने सारे बाल शेव करवा दिए थे। बाद में जब सुलह हुई तो सलमान खान ने विग के साथ पूरी मूवी में शूटिंग की। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपने लाइक्स और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें सीक्रेट फिल्मी टीवी, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।